एंड गुड मॉर्निंग. दिस इज आई गेस 22 जनवरी 2024 एंड राइट नाउ आई एम एडिटिंग वन वीडियो. आई एम वर्किंग ऑन वन वीडियो. और आज का दिन है जो भारत के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज रामलला अयोध्या आए हैं. प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है मंदिर की. हम लोग लाइव न्यूज पे देख रहे हैं, मैं और मेरे पापा. यहाँ पे सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं. शाम को भी हमारे यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला है, जहाँ पे सारी सोसाइटीज इकट्ठा होके दिए जलाने वाली है और राम भगवान के आने की खुशी में खुशियाँ मनाई जाएगी. तो ये वो दिन है. तो इस दिन मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो उसकी खुशी भी मुझे है, क्योंकि मैं एक हमेशा के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे ये साक्षी रह जाएगा, कि प्रूफ रह जाएगा कि मैं इस दिन पे क्या कर रही थी. सो वहाँ पे तो नहीं जा सके हम, लेकिन यहाँ से हम लाइव देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बहुत ही अद्भुत काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है. क्या स्पीच दी है उन्होंने, हम लोगों ने यहाँ से सब देखा है. एंड आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू वीडियो एंड होप सो जब ये आए तो आप प्लीज देखना, कमेंट करना आपके अंदर आपके दिल में क्या हुआ इस दिन, प्लीज कमेंट करना. A few moments later. लापसी का प्रसाद बनाया है. नेक्स्ट डे. हेलो एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट डे. आज मैं रेडी होके जा रही हूँ, एक दो काम है वो ख़त्म करने हैं और तो देखना है मुझे कि क्या फिर बाकी है क्या नहीं. शिफ्टिंग का काम मेरा हो रहा है अभी, मैं वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रही हूँ. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत ही दुखद घटना घट रही है मेरे साथ. अभी हंस रही हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है मेरे दिल में क्या चल रहा है एंड क्या क्या फीलिंग्स मुझे आ रही है. सो yes, that is the thing, that thing is going on. And बस रेडी होके मैं निकलती हूँ. और बाल मेरे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं एंड अभी शादी भी आ रही है मेरे रिलेटिव्स में, तो उसका भी थोड़ा बहुत करना है. आउटफिट फ्रॉम द स्क्रैच का वीडियो मेरा बनाने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे आउटफिट इकट्ठा करके रखे हैं. मतलब आउटफिट, नॉट आउटफिट, रेफरेंस ऑफ आउटफिट्स एंड रॉ मटेरियल्स जो मैंने इकट्ठा करके रखा है. सो लेट्स सी व्हाट हैपन, व्हाट वी डू द नेक्स्ट. एक दो रेफरेंस मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो वो मैं उस पर काम करूँगी. The next day. वैसे अहमदाबाद का एयरपोर्ट न्यू बन चुका है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुका है और बहुत ही बड़ा हो चुका है. तो नया बनने के बाद तो मैं पहली बार आई हूँ, तो लेट्स चेक आउट एवरीथिंग. अच्छा, फूड स्टोर भी यहाँ पे बहुत अच्छे खुल चुके हैं. नाइस, गुड. और कुछ कुछ अभी खुलने बाकी है. मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. पता नहीं क्यों हर बार मैं एयरपोर्ट पे आती हूँ तो मेरा फ़ोन का चार्जिंग ना इनफ होता ही नहीं. सो आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग ओवर अ चार्जिंग पॉइंट एंड चार्जिंग माय फ़ोन. लेट मी शो.
guys. This is दर्शन तो हो चुके हैं और ये पता नहीं क्या भगवान का संकेत है क्या है, आई डोंट नो। मुझे ना ऐसे तिलक करने गए ना तो मैं ऐसा हट गई तो यहाँ पे लग गया तिलक, मतलब मुझे पता नहीं था वो तिलक कर रहे हैं। और प्रसाद भी मिल चुका है। अभी मैं ना जो दादर का फेमस वड़ा पाव बोलते हैं ना, अशोक वड़ा पाव, वहाँ पे जा रही हूँ क्योंकि पिछली बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई थी तब मेरे को नहीं मिला था, वो बंद था। तो लेट्स सी आज चालू होगी नहीं, तो 2 मिनट का ही रास्ता है, चलते चलते जा रही हूँ। A few moments later. A few moments later. Hello, मेरे दोस्तों, कैमरा साफ कर रही थी तो मैं गई थी जियो वाला जो नया मॉल खुला है वहाँ पे, ऐसे ही तो जाके आई। और टीरा में गई थी स्पेशली क्योंकि टीरा मैंने अभी तक विजिट नहीं किया था, आई है इतना वैसा कुछ है नहीं, खर्चा गया थोड़ा उधर मैंने। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पोवाई प्लाजा क्योंकि मेरा ना एक ट्रीटमेंट था जो चल रहा है वहाँ पे, तो अब तो मैं नहीं हूँ मुंबई में खैर, लेकिन वो कब से मेरा पेंडिंग ही है। तो मैं आई थी और फ्री थी, सब काम मेरा ख़त्म हो चुका था, तो सोचा कि लाओ मैं यहाँ से मुंबई से, मतलब मुंबई में पोवाई होके आती हूँ। तो अपॉइंटमेंट मुझे कुछ नसीब ही से अपॉइंटमेंट भी मिल गया। और सोच रही हूँ कुछ फ्लावर ब्लावर मिले तो अर्चना करके है जो मेरा सब करती है उसको मैं फ्लावर दे दूँ, लेट्स सी कुछ रास्ते में मिलता है। एंड बस वही थक गई हूँ बहुत ही गंदा वाला, तो जाते हैं चलो पोवाई। बहुत टाइम के बाद मैं पोवाई जा रही हूँ एंड पोवाई फटाफट से वो काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत पोवाई के, नॉट पोवाई बट पोवाई प्लाजा के नज़दीक में है जो गैलेरिया, वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वो मेरा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था पहले जब मैं यहाँ पे रहती थी, मेरा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है ऐसे ही घूमने में। फाइनली रीच टू द डेस्टिनेशन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। एवरीथिंग इज डन, नाउ आई एम इन हवाई। Good morning, this is me, now I'm going back to Ahmedabad। और ये जो मैं कल गई थी आपको पता ही है, आपने वीडियो में देखा ही होगा आगे, तो ये मैंने लिया था इन 600 rupees आई गेस। ये पूरा गाउन टाइप है, ये ऐसी स्लीव है एंड देयर इज़ अ कॉलर एंड इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल एंड रियली आई डू नॉट हैड दिस लाइम कलर।